हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट, आई एम आल्सो फाइन। सो टुडेज टॉपिक अबाउट कार्डियक साइकिल। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में बहुत सारी चीजें जानी थी, जैसे कि उसके स्ट्रक्चर के बारे में जाना था, आपका जो हार्ट है वो उसमें कैसे ब्लड फ्लो होता है, वो सारी चीजें आपने पिछले टॉपिक में क्लियर की थी। तो इस टॉपिक में हम डिस्कशन करेंगे कार्डियक साइकिल। आपको पता है जैसे कि जो कार्डियक साइकिल होता है, जो आपका हार्ट होता है, वो अल्टरनेटिवली क्या कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन उसमें होता रहता है। तो देखो, द कार्डियक साइकिल इज द अल्टरनेटिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मायोकार्डियम इन द वॉल्स ऑफ द हार्ट इन कोऑर्डिनेशन विद द कंडक्शन सिस्टम ड्यूरिंग अ हार्ट बीट। उसमें दो फेज होते हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। जो सिस्टोलिक होता है वो कब आता है? सिस्टोलिक मीन्स जब आपका जो हार्ट है वो कॉन्ट्रेक्शन स्टेट में होगा। सिस्टोलिक रेफर्स टू द कॉन्ट्रेक्शन फेज एंड डायस्टोलिक रेफर्स टू द रिलैक्सेशन फेज ऑफ द कार्डियक साइकिल। वन कार्डियक साइकिल लास्ट फॉर ए पीरियड ऑफ 0.8 सेकेंड। ठीक है, arterial systolic refers to the contraction of the arteria and lasts about 0.1 second and the ventricular systole refers to a contraction of the ventricle and lasts about 0.3 second। ठीक है, अगर बात करेंगे हम arteria की तो उसमें 0.1 second होता है, और अगर ventricular systolic refers की बात करें तो उसमें जो contraction होती है ventricles की, तो उस time कितनी होती है? वो 0.3 second की। कंप्लीट कार्डियक डायस्टोलिक रेफर्स टू द रिलैक्सेशन ऑफ द आर्टरी एंड वेंट्रिकल एंड लास्ट अबाउट 0.4 सेकेंड। ठीक है, अगर बात करें हार्ट साउंड की, तो आपका जो हार्ट है वो लव डव की साउंड आती है, वो आपने पहले भी पढ़ा होगा। द हार्ट साउंड्स आर ड्यू टू द वाइब्रेशन इन द टिश्यू एंड ब्लड विच इज कॉज्ड ड्यू टू द क्लोजर ऑफ द वाल्व्स। द फर्स्ट साउंड लव इज लाउड। जो लव साउंड होगा वो लाउडली होता है, और जो डब साउंड होता है वो बहुत सॉफ्टली होता है। द फर्स्ट साउंड लव इज लाउड एंड इज ड्यू टू द क्लोजर ऑफ द आर्टेरियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स। द सेकंड साउंड डब इज सॉफ्ट एंड इज ड्यू टू द क्लोजर ऑफ द एरोटिक एंड पल्मोनरी वाल्व्स। अगर बात करें हार्ट रेट की, हार्ट रेट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट। आपका जो हार्ट है वो एक मिनट में कितनी बार धड़कता है। इट इज एक्सपेक्टेड एज अ बीट पर मिनट। इट वेरीज अकाउंट टू अल्टरनेशन इन बॉडी डिमांड फॉर ऑक्सीजन ड्यूरिंग कंडीशन लाइक एक्सरसाइज और स्लीप। जब आप क्या सोते हो उस टाइम, या जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हो उस टाइम, वो डिपेंड करेगा कि आपका जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो कितनी है। तो उस टाइम ही वैसे ही आप हार्ट रेट निकाल सकते हो। क्या बोल रहा है? हार्ट रेट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट। एक मिनट में आपका हार्ट कितनी बार बीट कर रहा है। अब बात करें कार्डियक आउटपुट की, कार्डियक आउटपुट कैसे निकालते हैं? कार्डियक आउटपुट क्या होता है? इट इज अ वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्टेड फ्रॉम द हार्ट। कार्डियक आउटपुट एक मिनट में है ना, वन पर मिनट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम। जो स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, उसको हम कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। कैसे निकालते हैं कार्डियक आउटपुट? कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होती है। इट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड एक्सपेल्ड बाई ईच कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स। आपको